हे गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सब मस्त होंगे। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। ओके, मैं बहुत ज़्यादा सेटिंग करने के बाद मैं शॉप पर ले गया था ये कैमरा सेट करने। ओके, तो मैं पूरा सेट करा लिया हूँ, कैसा क्वालिटी आ रहा है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड मैं जल्द मैं एक लेंस खरीदने वाला हूँ। कौन सा लेंस खरीदूं मेरे लिए बेस्ट रहेगा, आप लोग वो भी नीचे कमेंट में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भाई आप अभी तक स्पॉन्सरशिप कितने किए हैं एंड कितना पूरा टोटल अर्निंग स्पॉन्सरशिप से कितना कमाए हैं अभी तक। ओके, तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाली है एंड आपको यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा काम करने के मन करने लगेगा इस समय से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और हाँ, जो मैं बात बताऊँगा वो सच बताऊँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बताऊँगा। ओके, तो इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दिए। और आज का लाइक हम रखते हैं 2800 लाइक। प्लीज़, मैं आशा करता हूँ 2800 लाइक हम पूरा करा देंगे। थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग आशा करता हूँ करा देंगे। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भी, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह का मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल कंटेंट मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, नॉइज आ सकता है, घर के पीछे साइड में वीडियो शूट कर रहा हूँ इसीलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्त, आपको बता दें कि जो भी यूट्यूबर है वो तो स्पॉन्सरशिप जरूर लेते होंगे, लेकिन बहुत सारे जो नहीं लेते हैं उनका बात ही अलग है। जिसको करने का मन नहीं रहता है तो नहीं करता है। सिंपली हम लोग को करने, जैसे मनोज दे, देव टेक, टेक्निकल योगी, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो सब करते हैं। तो हम लोग में क्या रखा है, हम भी कर ही लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्पॉन्सरशिप का बात करते हैं। मेरा पहले जिंदगी का पहला स्पॉन्सरशिप मुझको कितना मिला था। तो दोस्त, आपको बता दें कि मुझको पहला स्पॉन्सरशिप 800 रुपये का मुझको मिला था। वो भी मेरे पेटीएम अकाउंट में आ गया था, मेरा सक्सेसफुली 800 रुपये आ गया था। लेकिन आपको बता दें कि इसमें भी कुछ झोल है। ओके, मेरे घर के पास का एक लड़का था, वही मुझको स्पॉन्सरशिप दिया। लेकिन आपको दादी की कंपनी से 2800 लिया, लेकिन मुझको 800 रुपये दिया। मुझको पता चला तो यार, आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा दिमाग ख़राब गया। लेकिन मैं सोचा कि चलो छोड़ो यार, ऐसे ऐसे होती रहती है, तो उसे मैं इग्नोर कर दिया। और वो मेरा ज़िंदगी का सबसे पहला इनकम रहा, मेरा यूट्यूब का सबसे पहला इनकम रहा 800 रुपया। कि जब मेरे वो बैंक अकाउंट में आया, मेरे हाथ में आया, तो दोस्त आपको बता दें कि मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया कि मेरा जब फर्स्ट पेमेंट आया था तब भी मैं इतना ज़्यादा नहीं खुश हुआ। जबकि वो मेरा 800 रुपये आया था तब मैं जितना खुश हुआ था। आप लोग समझते हैं, मेरा ज़िंदगी का YouTube के सबसे पहला कमाई मेरा 800 रुपया था। वो 2800 था, लेकिन उसको छोड़िए, मुझको मिला है 800, तो मैं 800 कहूँगा। ओके, तो दोस्त आपको बता दीजिए, अभी तक तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप कर लिया हूँ। तो दोस्त आपको बता दीजिए, मैं पिछला वीडियो में बताया भी था कि मैं स्पॉन्सरशिप के कारण मेरा चैनल थोड़ा बर्बाद हो गया था। उसको छोड़िए, मैं दोबारा आप लोग के सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल उससे भी बड़ा मुकाम पर इस समय है। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये मत सोचिएगा कि मेरा चैनल पर व्यू नहीं आ रहा है तो वो भी कुछ रीज़न से ही नहीं आ रहा है। ये समझ जाइए कि वो भी कुछ रीज़न है तभी नहीं आ रहा है। ओके, तो ये मत सोचिए कि यार मेरा चैनल पर व्यू नहीं आ रहा, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बने तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। हटाओ यूट्यूब, अब मैं नहीं करूंगा। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? तो आप लोग से कहना चाहूंगा कि ये जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है। ओके, ये बात याद रखिएगा, एक कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोग समझ सकते हैं, उस समय मेरा व्यू डाउन नहीं होता, उस समय आता 2K 3K एवरेज व्यू आते रहता, तब मेरा माई फर्स्ट पेमेंट वाला वीडियो वायरल नहीं होता, तो इसी तरह मैं 2K 3 पर चलते रहता। ओके, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है मेरे भाई। आप लोग से कहना चाहूंगा, कभी भी यूट्यूब क्वाइट मत कीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि मैं यूट्यूब पर कितना ज़्यादा स्पॉन्सरशिप किया हूँ। तो दोस्त आपको बता दें कि मैं बहुत ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा मैं किया हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा किया। आप लोग सोचते भी होंगे कि मैं कभी 10 दिन में 2 कर लेता हूँ, कभी 1, कभी कभी रेगुलर 2 कर देता हूँ। ओके, तो आप लोग से कहना चाहूँगा, मेरा स्पॉन्सरशिप का कभी क्लियर नहीं होता है कि कब मैं करूँगा कब नहीं। तो दोस्त फाइनली आपको बता ही देते हैं कि मैं स्पॉन्सरशिप से कितना मैं अर्न किया हूँ अभी तक। दोस्त आप लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाओगे, मैं जानता हूँ शॉक्ड हो जाओगे, लेकिन आप लोग बात मानेंगे नहीं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा कि मैं ये बात सच कह रहा हूँ। ओके, मैं आपको सामने लाइव प्रूफ जोड़ा दूंगा यार। आप लोग समझ सकते हैं, मैं पूरा लिखा नहीं हूँ कि यार ये मैं लिखा हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी बन जाएगा, मैं पूरा समझाने लगूंगा। तो एक बार मैं आपको बता दूँ, 1,80,000 से ऊपर मैं बस स्पॉन्सरशिप किया हूँ।
आप लोग समझ सकते हैं कि मैं 1,80,000 ओके, तो मैं पूरा पैसा सेविंग नहीं करता हूँ ओके। अगर मैं सेविंग करता तो आप लोग समझ सकते कितना हज़ार मेरा रूम भी तैयार हो जाता, सब कुछ तैयार हो जाता। आप लोग से कहना चाहूँगा कि मैं सेविंग थोड़ा सा किया था, तो मैं कैमरा लिया 60,000 का पूरा, मैं मिला जुला कर 60,000 का कैमरा लिया एंड 30,000 का फ़ोन लिया, मैं वो भी दिखा देता हूँ ओके। 30,000 का फ़ोन लिया, आप लोग देख सकते हैं ये रहा मेरा फ़ोन वीवो V20 Pro 5G ओके। यूट्यूब का ही पैसा से लिया हूँ स्पॉन्सरशिप। आप लोग को बता दें कि अभी तक यूट्यूब से कितना आया, 30,000 से 25,000 से कम ही आया ओके। तो अभी स्पॉन्सरशिप से पूरा मैं आपको बता दें कि मैं घर का बहुत सारा काम किया हूँ जो मैं आपको नहीं बता सकता। आप लोग समझ सकते हैं घर का बात कहीं शेयर नहीं किया जाता है, आपको पता भी होगा। तो मैं घर का बहुत सारा काम किया हूँ जो मैं आपको नहीं बता सकता, वो भी भारी भारी काम किया हूँ ओके। तो आप लोग से कहना चाहूँगा यूट्यूब अगर आप आए हैं तो कुछ ना कुछ करके ही जाइएगा। तो आप लोग से कहना चाहूँगा अगर कोई कहता है कि यूट्यूब पर कुछ नहीं रखा है, ऐसे ही टाइम वेस्ट होता जाएगा होता जाएगा। यार बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, दूसरे के बल पर आगे बढ़ रहे हैं और कुछ देर बाद उनका व्यू डाउन हो जा रहा है, तो कह रहे हैं कि मैं यूट्यूब पर काम नहीं करूँगा, मेरा व्यू डाउन हो जा रहा है, यार इसका व्यू इतना अच्छा आ रहा है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तभी मेरा व्यू नहीं आ रहा है। यार मेहनत करने का भी तरीका अलग होता है ठीक है। मैं इतना मेहनत किया तो मेरा कैमरा है, मेरा ट्राइपॉड है, मेरा फोन है, मेरा वाईफाई सेटअप है, अच्छा से सब कुछ का व्यवस्था है इसमें। तो दोस्त आपके जानकारी के लिए बता दी कि कुछ नया करने वाले हैं जल्द हमारे इस चैनल पर ओके। तो आप लोग एक्साइटेड रहिएगा जरूर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको थोड़ी भी मोटिवेशन मिली हो इस वीडियो से। अगर मिली हो तो प्लीज यार प्लीज इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा प्लीज। मैं आशा करता हूँ आज का लाइक हम आप पूरा करा देंगे एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह का मोटिवेशनल एंड नॉलेजबल वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।